सर मलिबाग में वोटर्स केतरा कास्ट कना कॉर्डिनेट्स केतरा उम्मीदवार केतरा मलिबाग वोटर इन वक्त जो पंजो असांजी ड्यूज क्लियरेंस लिस्ट है वो 888 जी है। इन वक्त प्रेसिडेंट जी सीट ते टे उम्मीदवार हैं, वाइस प्रेसिडेंट जी सीट ते चार उम्मीदवार हैं, जनरल सेक्रेटरी जी सीट ते इन वक्त टे उम्मीदवार हुआ, एक रिटायर थियो, इन वक्त उम्मीदवार मौजूद हैं। जॉइंट सेक्रेटरी जी सीट ते टे उम्मीदवार हुआ, उन्हनि मां एक रिटायर थियो, इन वक्त वन टू वन मुकाबलो है। ट्रेजरर जी सीट ते पंज उम्मीदवार आहिनि, लाइब्रेरियन जी सीट ते टे उम्मीदवार आहिनि, मेंबर मैनेजिंग कमेटी ते 12 उम्मीदवार। अच्छा सर, हिकिड़ो थोरो सवाल ईंदो आहे, कहिड़ी सीट ते माना मज़ेदार इलेक्शन थींदी आहे जंहिंमें तव्हांखे बि मज़ो ईंदो हुजे, सभिनी वकीलनि खे हिन सीट ते माना मज़ेदार मुक़ाबलो? इलेक्शन जो जेको असल मज़ो आहे उहो आहे सिर्फ़ु प्रेसिडेंट ऐं जनरल सेक्रेटरी जी सीट ते, जंहिंजी ज़िमेदारी आहे त उहो आईंदा पूरे साल में ॿार खे कीअं था हलाए। मतलब हमारे पास सालाना इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पर तमाम कैंडिडेट पुरजोश हैं, विलिंग है कि वो सब जीतेंगे। हमारा भी इसी तरीके से हमारा भी ख्याल है, हमारा भी जोश जज्बा है कि इंशाल्लाह हम इस प्रोसेस में कामयाब होंगे और लोगों का मैंडेट इंशाल्लाह हमें मिलेगा, क्योंकि सारा साल हम इन्हीं दोस्तों के लिए चल रहे होते हैं। हमारे पास वकला की वेलफेयर है, हमारे पास वकला के लिए इज्जत है, बार और बेंच के लिए जो भी खातिर खा हम इकदाम कर सकेंगे वो इंशाल्लाह करेंगे। सर मलीरबार में असो ग्रुप जो मलीर ग्रैंड अलायंस गुज़श्त चार साल का इलेक्शन अस कंटिन्यूसली कंटेस्ट क्यों पाया, तमाम उम्मीदवार जो भी आज हर साल विन कर मलीरबार के लिए असो जो मैनिफेस्टो उन हिसाब से काफ़ी शूं अस अचीव क्यों, कुछ जी शूं पाइपलाइन में आज इनशाला मां खटे तो अचान तो उसे कंप्लीट कंदे, जैमें ई लाइब्रेरी आ, हाउसिंग सोसाइटी जो क्याम आ, बेंच बार में कोऑर्डिनेशन जो काफ़ी हद तक फुकदान आ, उनके इंशाल्लाह असी ठीक कंदे, वकला जी वेलफेयर के लिए रूल ऑफ लॉ के लिए अस कोशिश करे पंजो हिस्सो उनमें विझदे, कीमती वोट दई कामयाब कन। इंशाल्लाह ताला मां सभी वकील भाइरन के लिए फलाह बहबूद कम कंदो रहंदुस, इंशाल्लाह जो वकील बिरादरी जी वेलफेयर होंगी उन कम कंदो रहंदुस। एम है मरीज के वेलफेयर के लिए, लेडीज़ की खास तौर से बहुत सारे इश्यूज हैं, इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं अलग होकर आऊँ तो मैं अपने लेडीज़ बार के लिए और जो यहाँ के मेन इश्यूज हैं कि सोसाइटी होनी चाहिए वकीलों के लिए, ऐसे वकील भी हैं जो बेचारे डिज़र्विंग जो अर्निंग नहीं है जिनकी हवाई रोज़ी है, तो हमारा ये है कि बार में फंड्स होने चाहिए और सोसाइटी के लिए भी काम करूंगी और फंड्स ऐसे होने चाहिए अगर कोई वकील बीमार हो जाता है या कोई इशू आ जाता है कोई एक्सीडेंट में कोई ऐसा, तो उसके लिए जो है हमें चंदा जमा ना करना पड़े, हमारी बार से वो कंट्रीब्यूट करके हम उसकी मदद।